मामा मामा जल्दी आए। अरे वाह, तुम आ गई। ये देखें, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी शॉपिंग करके आई हो भाई। कलर कैसा है? बहुत प्यारा कलर है और तुम पे बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन बेटा ये बताओ, तुमने इसकी फिटिंग चेक की? अच्छा ये वाला देखें, ये बताएं ये कैसा है? ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिटिंग चेक की या नहीं की ये पूछ रही हूँ। अच्छा ये वाला तो देखें पहले, देखिए इसका काम कितना प्यारा है, सबसे प्यारा ये है ना। काम भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुमने इसकी फिटिंग चेक की या नहीं की? मैं तो वही करने गई थी ना। वही करने गई थी तो फिर क्या किया तुमने? हाँ तो मुझे क्या पता कि ट्रायल रूम की वॉल पे कील लगी हुई होगी। कील लगी थी तो क्या हुआ? किंजा किंजा, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी शादी की ज्यादातर तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन मैं दो बातों को लेकर बहुत परेशान हो रही हूं। एक तो मैं ही होंगी। हाँ सही कहा तुमने, और दूसरा मैं सोच रही हूँ तुम्हारी शादी में क्या हो रहा होगा। कहीं प्लेटें टूट रही होंगी तो कहीं मिठाई का शीरा गिर रहा होगा लोगों के कपड़ों पर। और ऐसा भी हो सकता है कि ब्यूटी पार्लर में तुम्हारा मेकअप ही खराब हो जाए। अच्छा मैं इतनी बुरी बातें तो मुंह से ना निकाले ना। बुरी बातें क्या, और तुम्हारी ऐसी बातों को ना किसी की नजर भी नहीं लगती। हाँ वैसे आप ठीक कह रही हैं, मैं भी इस बात से परेशान हूँ। मैं सोच रही थी शादी पे ना थोड़ा एक्स्ट्रा बजट रख लें तोड़ फोड़ के लिए। हाँ सही कह रही हो तुम, इस घर की तो सारी चीजें तोड़ चुकी हो तुम, अब उनकी बारी है तो बजट तो रखना पड़ेगा। अरे मैं तो भूल ही गई कि मैं तुमसे क्या बात करने बैठी थी। हाँ मैं ये कहने वाली थी कि मोना है ना और तुम्हारी सास, उसके बारे में तुम्हें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मोना? मोना तो कराची चली गई, और आंटी बहुत अच्छी हैं। हाँ इधर आ, एक मिनट रुको, आज ओ आई बच गया। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसे उठा लिया था। अच्छा सुनो, वो कराची गई है, इरफान के दिल से नहीं गई है वो। मुझे पूरा यकीन है कि वो अभी भी इरफान के रास्ते में होगी। तुम्हें सबसे पहले उस घर में जाके ना इरफान और मोना के बीच में जो रास्ते हैं ना उनको ख़त्म करवाना होगा। लेकिन इरफान ने तो मोना की बजाय मुझसे निकाह किया है। हाँ और ये बात तुमसे इरफान ने कही है, ऐसे ही है ना? अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो।